चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के साथ विनेश और बजरंग पूनिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात दोनों ने की और पार्टी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ से, जब दोनों ही पहलवान वहां पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने, तो कांग्रेस में दोनों शामिल हो गए हैं। लगातार अटकलें थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और उन अटकलों पर अब विराम लग गया है, जब ये खबर सामने आई है कि विनेश फोगाट ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस का हाथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थाम लिया है। तो विधानसभा चुनाव के बीच देश की स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। तो कांग्रेस में शामिल होने से पहले इस्तीफा विनेश फोगाट की ओर से दे दिया गया अपने रेलवे की नौकरी से, और उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा था कि मैं भारतीय रेलवे की सदैव आभारी रहूंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है विनेश फोगाट बजरंग पूनिया की, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान की। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाई हमने, जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई, जब मुलाकात हुई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे मुलाकात हुई है, नौकरी से इस्तीफा दे चुकी हैं विनेश फोगाट, और थोड़ी देर बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हुए की तस्वीरें भी उनकी सामने आ जाएंगी। इससे पहले विनेश फोगाट अपने रेलवे की नौकरी छोड़ चुकी हैं, उससे इस्तीफा दे चुकी हैं, और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय रेलवे के सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। अपने इस्तीफे को पोस्ट करते हुए उन्होंने ये बात लिखी। हालांकि इस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं, जब विनेश फोगाट ने यह फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगी, साक्षी मलिक की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि जो अभी तक फिलहाल जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि चरखी दादरी कमलेश भाई आपका मोनोपोड है ना, तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज से, जहां पर अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। और ये लगातार तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, कुछ हलचल होती हुई यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। ये तस्वीर भी दूसरी आपको दिखा रहे हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात हुई बजरंग पूनिया की और विनेश फोगाट की। तो
तो भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट भी विनेश फोगाट को मिल सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बजरंग पूनिया को टिकट नहीं मिलेगा, वो केवल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा, जब आलाकमान की ओर से फैसला होगा और तस्वीरें तभी साफ हो पाएंगे। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात दोनों पहलवानों ने की है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लगातार हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगभग वो घड़ी अब नज़दीक आती जा रही है जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। तो लाइव तस्वीर आपसे कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, जब दोनों पहलवान कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दोनों ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही वक्त बाकी है और फिर तस्वीरें सामने आ जाएंगी। विनेश फोगाट ने हालांकि अपने रेलवे की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। भारतीय रेलवे की सदैव आभारी रहूंगी विनेश फोगाट की ओर से ये कहा गया है। इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है विनेश फोगाट ने। एक मुश्किल दौर से गुजरी थी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के दौरान, जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था फाइनल्स से पहले, महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट ओलंपिक्स में अपना फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी जिसमें वो गोल्ड जीत सकती थी। लेकिन जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो किसी भी मेडल के योग्य नहीं रही वो और उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि ऊपर तक उन्होंने अर्जी लगाई और कहा गया कि कम से कम सिल्वर मेडल के हकदार हैं विनेश फोगाट, तो उनको वो तो मिलना चाहिए। लेकिन जो लापरवाही अब ओलंपिक्स के दौरान हुई थी, या फिर कहा जाए कि जो चूक ओलंपिक्स के दौरान हुई, उसका खामियाजा, बहुत बड़ा खामियाजा विनेश फोगाट को चुकाना पड़ा फाइनल से डिस्क्वालीफाई होकर। उसके बाद से लगातार पूरे देश की सिंपथी, पूरे देश का साथ, पूरे देश का समर्थन, पूरे देश की दुआएँ विनेश फोगाट के साथ रहीं। सभी राजनीतिक दल भी एकजुट, एक साथ नजर आए इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन जब से वतन वापसी विनेश फोगाट की हुई है, हालांकि कुछ वक्त पहले से ही अब विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज उन अटकलों पर विराम लग गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आवाज से कुछ गाड़ियां निकलती हुई इन तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं। काफी मीडिया भी इकट्ठी हुई है यहां पर ये देखने के लिए। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी चूंकि ज्वाइन करने के लिए पहुंची थी मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर, तो फिलहाल तस्वीरें आपने देखी। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई पहलवान विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पूनिया की। दोनों ही पहलवान पार्टी ज्वाइन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। और हालांकि कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट को तो पार्टी की ओर से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन बजरंग पूनिया को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। बजरंग पूनिया केवल प्रचार करने में मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी की।
अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए?